गया कोई? अबे है दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है महालक्ष्मी बेट का दूसरा दिन। तो आज जो हमारे स्कूल में बच्चे आए कि आए ही नहीं थे, बहुत से कम बच्चे आए थे। तो हमने जो हमारा रिजल्ट का वर्कशीट होता है, मतलब एग्जाम शीट बनाना, फाइल्स पर नाम लिखना, मार्कशीट कैलकुलेशन करना, ये सब कुछ अभी हमारा हो चुका है। अभी फिलहाल मैं घर पर चलिए, तो चलिए आज के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गया कोई? अबे गौरव ते स्टॅपल घे आणि इकडे घेऊन ये। गौरव ते स्टॅपल घेऊन ये। सो जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। आज बहुत से कम ही बच्चे आए थे, मतलब दो चार बच्चे आए थे नाइन्थ और टेंथ के। तो ये लोग जो है लैब में जा रहे थे, हमारी साइंस लैब थी, तो वहाँ पर से जो है एक एक सामान उठाकर ला रहे थे और उससे जो देख रहे थे। तो उनको जो ये कॉइन बॉक्स मिल गया, क्योंकि कुछ मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे तब मोबाइल ज़्यादा नहीं थे, तो इस तरह के कॉइन बॉक्स हुआ करते थे। उसमें जो है सिक्का डालना पड़ता था और फिर जो हम फ़ोन लगा सकते थे। तो इन बच्चों ने पहले तो कॉइन बॉक्स लेकर आए, उसके बाद जो है कहाँ से पैसे निकलते वो देखा, और फिर जो इन्होंने भागदौड़ मजा दी कॉइन्स लेने के लिए। इस किसी के पास जो कॉइन्स है क्या, कॉइन्स है क्या, एक दूसरे को पूछा उन्होंने। फाइनली उनको जब कॉइन्स मिला तो वो जो कॉइन्स डाल रहे थे और जो है बातें कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से प्रैंक बातें कर रहे थे, ऐसे फ़ोन लगाना, एक दूसरे से मस्ती करना कर रहे थे। और लैब से में से तो उन्होंने काफ़ी सारे सामान लाए थे, मगर ये बेसिकली जब वो लेकर आए तो काफ़ी उन्होंने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे को कॉल्स लगाए, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया पुरानी चीज़ों का। और बाद में जब उन्हें पता चला कि ये जो कॉइन्स है या कैसे यूज़ होता है, तो उसके बाद जो उन्होंने उनकी ख़त्म होने के बाद जो कॉइन बॉक्स लेकर जो है लैब में रख दिया। सो आप यहाँ पर अभी हम बैठे थे, जो कि फिलहाल हमारे पेपर्स हमें चेक कर, मतलब बंच बनाना है, रिजल्ट बनाना है। तो इस फाइल के जो अंदर आपने पेज देखा, तो उसमें हमें रिजल्ट लिखना है सारे स्टूडेंट का। सो ये है पूरे पेपर्स जो हमने अभी लगा दिए सारे स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के जितने सब्जेक्ट के पेपर है एक के पीछे एक मैंने लगा दिए। सो अभी यहाँ पर सारे बेंच पर मैंने पेपर्स रखे थे, और बेसिकली इस वाली फाइल्स में जो है अभी मैंने अपने पूरे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स से लगा दिए, उनके नाम लिख कर, और इस बुक पर जो है अभी पूरे मार्क्स फिलअप कर दिए मैंने उनके। और फॉल्थिन में उनके पेपर हो गए, तभी सिर्फ स्टैपल ही बाकी है, तभी उनको जो रिजल्ट के समय वो पेपर हमें देने में होते हैं, तो उन्हें दिखाना होता है इस वजह से। तो अभी हम बाहर आए हैं स्टैपल लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे टीचर स्टाफ भी वही इसी काम में लगे। ये देखिए सारी की सारी फाइल्स। सो यहाँ पर मैं फाइल्स ले रही हूँ अपने स्टैपल करने के लिए और स्टैपलर। सो यहाँ पर हम बैठे थे, मेरा काम हो चुका था सब कुछ। तो अभी हमारे जो टीचर थे वीर मैम, सो उनके अभी रिजल्ट बुक बनाना बाकी था, तो हम जो है उन्हें हेल्प कर रहे थे मार्क्स लिखवाने में। तो उनकी कॉपी में उन्हें जो है अच्छे से वो मार्क्स लिख ले, ताकि वो अपना रिजल्ट बना पाए। सो यहाँ पर उसी का जो है अभी डिस्कशन शुरू था हमारे फिलहाल। मैम, आपने एक क्लास का पेपर कितने का निकाला था? 40 मार्क का ना? ओवरऑल डालने पड़ेंगे, ओवरऑल टाको लगना रहे। सो अभी मार्क्स वगैरह फिलअप करके अभी हम घर ही जा रहे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे छोटे शैतान मस्ती कर रहे, क्योंकि वो लोगों को भी जो क्वांटिटी आज बहुत कम आए, तो उनको भी उनके टीचर जो गेम्स ही खिलवा रहे। तो चलिए अभी फिलहाल घर पर चलते हैं, अभी हमारा काम तो हो चुका है स्कूल का। अच्छा डांस कर रहे हैं, 1 2 3 4 लीला है ना? अच्छा। सो इस तरह से गया आज का हमारा पूरा दिन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद बच्चे तो बहुत कम आए थे, तो हमने जो है पूरा रिजल्ट का जो भी हमारा काम रहता है, फाइल्स बनाना, फाइल्स में जो पेपर्स अटैच करना, सारे सब्जेक्ट के पेपर एक के बाद एक लगाना, उन्हें स्टैपल करना, फाइल के ऊपर नाम लगना, मतलब जिन स्टूडेंट का पेपर रिजल्ट है उसका नाम लिखना, फिर उसके मार्क्स डालना, फिर परसेंटेज निकालना, बुक में भी परसेंटेज निकालना, ये सारे प्रोसीजर। उसके बाद जो है घर पर आकर जो है मेरे दीदी यहाँ पर जो गणपति बैठा था, तो उसको जो है उठाए, क्योंकि उन्होंने थोड़े दो दिन कई गणपति बैठाया था, तो उनके यहाँ पर जाकर गणपति बैठा कर रहे। सो अब उसके बाद जो आकर जो है दिन भर जो है पढ़ाई किए। तो आज का ऐसा दिन पूरा दिन मेरा ऐसा ही बताए, मतलब स्कूल में रिजल्ट बनाया, घर पे आकर पढ़ाई की। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट व्लॉग में।